राज मल्होत्रा आईएस। इस वीडियो के प्रीवियस पार्ट में हमने यूएस और ईरान के जो रिलेशनशिप हैं उनका एवोल्यूशन देखा और उसका थोड़ा सा हमने हिस्ट्री देखा था अप टू द ईरान न्यूक्लियर डील। ईरान न्यूक्लियर डील होने से पहले पहले रिलेशनशिप कैसा था ईरान और यूएस का, वो हमने देखा था। अब हम उसके आगे की हिस्ट्री देखेंगे और अभी जो करंट सिचुएशन है वो देखेंगे और जो इंडिया का इंटरेस्ट है वो कैसे अफेक्ट होता है इनके जो टेंशंस की एस्केलेशन से, वो हम आज देखेंगे। तो अभी तक हमने ये पढ़ा था कि ईरान और यूएस के रिलेशनशिप थोड़ा डिटीरियरेट हुआ था और काफ़ी सैंक्शंस जो हैं वो ईरान पे यूएस ने लगा दिए, जिससे कि जो ईरान की इकोनॉमी है वो बहुत ज़्यादा क्रिपल हो चुकी थी। तो फिर राउंड्स ऑफ नेगोशिएशंस होने शुरू हुए ईरान और यूएस को लेके और अल्टीमेटली एक ईरान न्यूक्लियर डील साइन की गई है किन कंट्रीज़ के बीच में, P5 जो कि UNSC के परमानेंट मेंबर है, प्लस वन कंट्री थी जर्मनी एंड यूरोपियन यूनियन। इन कंट्रीज ने मिलके ईरान के साथ एक न्यूक्लियर डील साइन की थी 2015 में। इस डील के अकॉर्डिंगली ईरान ने ये कमिट किया था कि वो अपनी जितनी भी सेंसिटिव न्यूक्लियर एक्टिविटीज़ हैं उनको लिमिट करेंगे, लिमिटिंग सेंसिटिव न्यूक्लियर एक्टिविटीज़, प्लस जो भी इंटरनेशनल एजेंसीज हैं, न्यूक्लियर अथॉरिटीज़ हैं, उनको इंस्पेक्शन करने देंगे अपनी फैसिलिटीज़ का। और इसके बदले में यूएस ने ये कमिट किया कि उन्होंने जितने भी सैंक्शंस लगा रखे हैं, इकोनॉमिक ट्रेड सैंक्शंस, और जो उनके एसेट्स ईरान के फ्रीज कर रखे हैं उन सैंक्शंस को वो लिफ्ट कर देंगे, उन सैंक्शंस को हटा दिया जाएगा। तो ये डील थी, तो ये एक बहुत ही बड़ा स्टेप था ईरान की इकोनॉमी की इम्प्रूवमेंट के लिए और ईरान और यूएस के रिलेशनशिप के इम्प्रूवमेंट के लिए। तो इसको बहुत अप्लॉड किया गया था, इस नेगोशिएशन को और इस डील को। इससे क्या हुआ कि ईरान ने कमिट किया कि वो जो अपनी न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ हैं उनको वेपन बनाने के लिए यूज़ नहीं करेंगे, और ईरान की इकॉनमी को क्या फ़ायदा हुआ, सैंक्शंस लिफ्ट हो गए। लेकिन फिर एडमिनिस्ट्रेशन चेंज हुई, ये ओबामा के टाइम की डील है और बाद में यूएस में प्रेसिडेंट इलेक्ट होके आए डोनाल्ड ट्रंप ने ये चीज़ बोली कि ये डील किसी भी तरीके से ईरान को न्यूक्लियर वेपन्स बनाने से नहीं रोकता, कुछ ही महीनों के अंदर जो है ईरान एक न्यूक्लियर वेपन बनाने के लिए केपेबल है। और उन्होंने बोला कि ये वन ऑफ द वर्स्ट डील्स इन हिस्ट्री है जो यूएस ने साइन की है। उसके बाद 2018 में यूएस पुल्ड आउट ऑफ द डील, उन्होंने बोला कि वो ये डील का पार्ट नहीं बनेंगे, एंड यूएस पुल्ड आउट ऑफ द डील एंड उन्होंने दोबारा से ईरान के ऊपर इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाने शुरू कर दिए। लेकिन सिर्फ यूएस नहीं था इस डील के अंदर, और भी कंट्रीज थी जैसे कि जर्मनी, फ्रांस और यूके, उन्होंने इस चीज़ को अपोज किया, यूएस के इस स्टेप को अपोज किया कि उन्होंने यूनिलेटरली कैसे इस डील से बैकआउट कर लिया। एंड इवन ईरान ने ये चीज़ बोली कि या तो आप ये कंट्रीज़ हमें इन सैंक्शन से प्रोटेक्शन दो, नहीं तो हम दोबारा से अपना जो न्यूक्लियर का प्रोग्राम है वो दोबारा से स्टार्ट कर लेंगे, उसकी कैपेसिटी जो है वो बढ़ा लेंगे, इन्हेंस कर लेंगे। उसके बाद जो सिचुएशन है उसके बाद से 2018 से डिटीरियरेट ही होता रहा है। अब रीसेंट टाइम्स में क्या हुआ है, ईरान ने अभी तक पुल आउट नहीं किया था इस डील से, लेकिन अभी क्या हुआ कि यूएस ईरान ने इराक की कुछ फैसिलिटीज़ पे जहाँ पे यूएस मिलिट्री बेस है वहाँ पे अटैक किया, उसके बदले में फिर यूएस ने जो है वो अटैक्स की हैं, और उन उसमें से एक अटैक्स के अंदर वहाँ के ईरान के एक मिलिट्री कमांडर हैं जो हाईएस्ट वहाँ पे मिलिट्री अथॉरिटी थी, उनकी डेथ हो गई थी और ईरान ने बोला था कि दे विल अवेंज दिस डेथ, ये जो किलिंग है इसको अवेंज करेंगे। जिससे क्या हुआ, उन्होंने ईरान ने इस डील से टोटली पुल आउट कर लिया, उन्होंने बैकआउट कर लिया इस डील से। अब वन ऑफ द लोएस्ट पॉइंट आ चुका है यूएस और ईरान के जो रिलेशनशिप हैं, क्योंकि ये भी बोला जा रहा है कि हो सकता है कि ईरान और यूएस में है एक तरीके का वॉर शुरू हो जाए, क्योंकि टेंशन तो बहुत ज़्यादा एस्केलेट शुरू हो चुकी हैं। ये डील जो है ये ख़त्म हो चुकी है, क्योंकि यूएस ने बैकआउट कर लिया, ईरान ने बैकआउट कर लिया, एंड मिलिट्री स्टांसेस जो हैं वो भी इस टाइम पर दोनों कंट्रीज़ के बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। अब ये सब हम पढ़ रहे हैं एग्ज़ाम के लिए, उसका मेन मोटिव क्या है पढ़ने का, कि इन सब चीज़ों का इंडिया पे क्या इम्पैक्ट होता है, इंडिया और ईरान, इंडिया और यूएस के रिलेशनशिप जो हैं उन पे कैसे इम्पैक्ट होता है। तो अभी हम ये देखेंगे कि इंडिया के क्या इंटरेस्ट हैं ईरान के अंदर, जिसके कारण कुछ भी अगर ईरान में नेगेटिव होता है तो इंडिया की इकॉनमी पर एक इम्पैक्ट पड़ता है। सबसे पहले ईरान की जो लोकेशन है, आप अगर मैप पर देखेंगे
तो वहाँ पे चाबार पोर्ट में हमने इन्वेस्ट किया है इंडिया ने ईरान में, क्योंकि हमारा पाकिस्तान के साथ रिलेशनशिप अच्छा नहीं है, तो पाकिस्तान हमें अफगानिस्तान का एक्सेस प्रोवाइड नहीं करता है, तो वो एक्सेस हम कैसे लेंगे, हमने चाबार पोर्ट जो है ईरान में उसमें इन्वेस्ट किया है, ताकि हम पाकिस्तान को सरकमवेंट करके इंडिया सीधा यहाँ से सी रूट से चाबार पोर्ट पे जाके ये ईरान है, और यहाँ पे फिर वो अफगानिस्तान का एक्सेस मिल सकता है, और यहीं पे आगे सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ हैं उनका एक्सेस भी जो है वो इंडिया को ईरान के थ्रू मिल सकता है। उसके अलावा चाबार पोर्ट के अलावा एक हमारा इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है, ये अगर डेवलप होता है तो भी हमें जो है रशिया, यूरोप, अफगानिस्तान, सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ का जो एक्सेस है वो मिलेगा, और रूट जो है वो छोटा हो जाएगा। अभी अगर ये इंडिया है, इंडिया को अगर रशिया की तरफ जाना है सेंट्रल एशिया, तो इतना लंबा ये रूट मेडिटेरियन सी, बैबल मंडेव सब क्रॉस करके, आपको यूरोप क्रॉस करके यहाँ से आप जो है सेंट्रल एशियन रशिया का एक्सेस मिलता है आपको। लेकिन अगर हम INSTC करते हैं डेवलप, इंडिया, ईरान और अफगानिस्तान और यहाँ पे सेंट्रल एशियन कंट्रीज़, तो इस लंबे रूट की बजाय अगर INSTC डेवलप होता है तो हमारा ये जो रूट है छोटा हो जाता है, ईरान, अफगानिस्तान, सेंट्रल एशिया, यूरोप एंड रशिया यहाँ पे होगा। तो इसमें भी ईरान जो है वो एक इम्पॉर्टेंट कंट्री है, तो हमारे लिए ईरान का जो स्टेबल होना है इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके अलावा ऑयल का जो हमारा एक मेजर सोर्स है वो है ईरान। अगर ईरान में किसी भी टाइप का सैंक्शंस लगता है तो इंडिया ईरान से ऑयल इंपोर्ट नहीं कर पाता, जिससे कि इंडिया में ऑयल को लेके कमी हो जाती है और ऑयल के जो प्राइसेस हैं वो फ्लक्चुएट करते हैं। इंडियन इकोनॉमी ऑलरेडी बहुत ही बुरे फेज से जा रही है, इकोनॉमिक स्लोडाउन बोला जा रहा है, तो अगर ऑयल के प्राइसेस भी इंक्रीज करते हैं तो हमारी इकोनॉमी पे और नेगेटिव इम्पैक्ट होगा। प्लस सिर्फ ईरान ही नहीं, अगर मिडिल ईस्ट में टर्मोइल होता है तो भी जो है ऑयल के प्राइसेस फ्लक्चुएट करेंगी, क्योंकि हमारा मेजर सोर्स क्या है, मिडिल ईस्ट है ऑयल के लिए, तो वो हमारी इकोनॉमी पे एक नेगेटिव इम्पैक्ट होगा। उसके बाद हमारा मिडिल ईस्ट से बहुत ज़्यादा रेमिटेंसेस आते हैं, पैसे आते हैं वहाँ पे, डायस्पोरा हमारा बहुत वहाँ पे मेजर पॉपुलेशन है। अगर कुछ भी नेगेटिव होता है वहाँ पे, वॉर का सिचुएशन होता है, रेमिटेंसेस और जो हमारे वहाँ पे सिटीजन्स रह रहे हैं, डायस्पोरा है, उन पे बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट होगा। फिर हमारी एक ईरान पाकिस्तान पाइपलाइन है, ईरान पाकिस्तान इंडिया पाइपलाइन है। अगर हम ये पाइपलाइन डेवलप करते हैं, उससे भी जो हमारे हैं एनर्जी रिसोर्सेज जो है उसके लिए एक नया सोर्स हो जाएगा, एक नया पाइपलाइन हम डेवलप कर पाएंगे। तो ईरान इसमें भी एक मेजर कंट्री है पाकिस्तान के अलावा। उसके अलावा जब भी कोई भी वॉर टाइप सिचुएशन आता है ईरान को लेके, जिसमें ईरान इन्वॉल्व होता है, तो वो बोलते हैं कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को जो है वो ब्लॉक कर देंगे। अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज अगर ब्लॉक हो जाता है तो ये मेजर लाइन ऑफ कम्युनिकेशन है, मेजर लेन ऑफ कम्युनिकेशन है जो सी से, वो ब्लॉक हो जाएगा, जिससे हमारे इम्पोर्ट एक्सपोर्ट जो है स्पेशली मिडल ईस्ट की तरफ और आगे यूरोप की तरफ, उस पर बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट होगा। तो ये एक पॉइंट है। उसके बाद है इंडिया के विसिनिटी में ऑलरेडी चाइना एक न्यूक्लियर पावर है और पाकिस्तान भी एक न्यूक्लियर पावर है, तो इंडिया कभी नहीं चाहेगा कि एक और हमारे पास हमारे विसिनिटी में एकदम क्लोज जो है हमारे पास एक न्यूक्लियर स्टेट डेवलप हो जाए। तो ये न्यूक्लियर स्टेट अगर डेवलप होता है तो मिडिल ईस्ट में एक तरीके का आर्म्स रेस शुरू हो जाएगा, और कंट्रीज भी जो है हो सकता है न्यूक्लियर वेपन्स डेवलप करना शुरू कर दें, तो ये क्या होगा, पूरा मिडिल ईस्ट में टर्मोइल होगा, और जिसका इम्पैक्ट होगा इंडिया पे भी होगा, क्योंकि इफ़ अ न्यूक्लियर वॉर स्टार्ट्स इट विल बी अ वर्ल्ड वॉर। ओके, तो हम नहीं चाहेंगे कि हमारे विसिनिटी में एक न्यूक्लियर स्टेट नया डेवलप हो, इसलिए इंडिया का जो है ईरान की स्टेबिलिटी इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब ईरान पे अगर सैंक्शंस लगते हैं और इंडिया उनके खिलाफ जाता है, मतलब US के सैंक्शंस लगने के बावजूद इंडिया ईरान के साथ ट्रेड करता है, तो फिर इंडिया के US के साथ रिलेशनशिप जो है वो डिटीरियोरेट होने के चांसेस हो जाते हैं, और US के साथ अगर हमारा रिलेशनशिप डिटीरियोरेट होता है तो भी हमारा बाकी सब चीज़ों के अलावा इकॉनमी पे नेगेटिव इम्पैक्ट होगा, क्योंकि मेजर करेंसी कौन सी है, US डॉलर है, हमारा मेजर ट्रेडिंग पार्टनर है US है।
तो इसलिए हम यूएस और ईरान का रिलेशनशिप अगर पॉजिटिव रहता है तो इंडिया के पे जो पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा, इनका नेगेटिव होता है तो बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट होगा इंडियन इकोनॉमी पे। तो हमें इंडिया के पर्सपेक्टिव से इस चीज़ को देखना है और प्री के लिए हमें ईरान की लोकेशन, ईरान की नेबरिंग कंट्रीज़, जो भी उनके आसपास वाटर बॉडीज़ हैं, कौन से स्ट्रेट्स हैं, कौन से माउंटेन्स हैं ईरान में, वो सब हमें इस एग्ज़ाम के लिए पढ़ना है। थैंक यू सो मच।